मसाला अच्छी है, कैथी की रिमेक है, कैथी मैंने देख ली है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी लगी मुझे। फ्रेम टू फ्रेम कॉपी नहीं है जो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कैथी मैंने देखी हुई है, तो अजय सर ने काफ़ी अच्छा डायरेक्ट किया है मूवी को। सो एक्शंस बहुत अच्छे हैं और एक्शंस इसमें जो हमारी पब्लिक है, ऑडियंस है ना, उनको ये एक्शन बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज बहुत ही एरी सीन्स हैं जहाँ पे यू नो यू सी द ब्लड, ब्लड आप देखते हो लेकिन इसमें कुछ एक नॉच ऊपर का एक्शन है, यू सी द बोन्स कमिंग आउट, तो वो थोड़ा एक मेरे को नया लगा, विच वॉज ऑल्सो गुड। तो मूवी अच्छी लगी। भोला को मैंने 3D में देखा एंड ऑनेस्टली इट्स आउटस्टैंडिंग, मुझे बहुत अच्छी लगी भोला। बोलते हैं कैथी का रीमेक है बट वो पूरा का पूरा रीमेक नहीं है, अडेप्टेशन है कैथी का। बोलते हैं ना, मतलब आजकल कैसा होता है कि रीमेक्स का सत्यानाश होता है, बट यहाँ पे रीमेक को एक अलग लेवल पे बनाया गया है। प्रॉपर 3D जो एक्शन स्टंट्स है ना, वो प्रॉपर 3D विजुअल्स के लिए है। आप वो कोई दूसरे एक्शन मतलब 2D में देखोगे ना तो आपको मजा नहीं आएगा, बिकॉज कैथी एकदम रॉ थी। वहाँ पे अजय देवगन ने इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली है जो लोगों को बहुत पसंद आई। फिल्म ये है सर, स्टोरी तो ये है, फिल्म ड्रग्स के ऊपर है ये, कि जो आदमी दारू पी के, स्मैक पी के, गांजा पी के, अफीम खा के बच्चे पैदा कर देते हैं, उनके बच्चे कैसे पैदा होंगे, भगवान का नाम लेके आदमी को बच्चे पैदा करने चाहिए। भोला, मुझे मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। आई थिंक मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मैंने इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये नेक्स्ट लेवल होगी, और मूवी मुझे बहुत पसंद आई। मूवी में बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक्शन सीन्स है, फैंटेबुलस, और 3D इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे। यूजुअली 3D ग्लासेस देते हैं लेकिन कुछ ऐसे होता नहीं है, और एक्शन तो हॉलीवुड लेवल का है, एसएस राजामौली की मूवी जैसा एक्शन है। तो जो विजन है वो देख के बहुत अच्छा लगा। अजय देवगन मतलब 100 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने कर ली हैं और अभी डायरेक्शन में भी उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया।